नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस एंड पीटेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप पीसीएस एंड पी रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर का यूज करके किसी भी प्रोडक्ट की इमेज को ऑटो अपलोड कर सकते हैं। मींस अगर आपको डायरेक्ट मतलब आप किसी प्रोडक्ट की इमेज लगाना चाहते हैं और उसको आप गूगल पे सर्च करके डाउनलोड करके फिर उसके बाद अपलोड ना करके आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर का यूज करके इमेज सर्च करेंगे और जो भी फर्स्ट इमेज गूगल के थ्रू आएगी क्लाउड के थ्रू, तो वो ऑटोमेटिक ही आपको एज अ सजेस्ट फोटोज में या इमेज में दिखेगी, तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं। बहुत ही आसान फीचर है पीसीएस एंड पी रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर में। सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपने कोई भी प्रोडक्ट हो उस प्रोडक्ट की इमेज को अपलोड करने के लिए यहाँ पे स्पेशल फंक्शन जाएंगे, आइटम इमेज बल्क एडिट पर क्लिक करना है। आइटम इमेज बल्क एडिट पर क्लिक करने के बाद ये फॉर्म ओपन होगा जहाँ पर जो भी आइटम्स आपने क्रिएट कर रखे हैं वो आइटम यहाँ पे दिखेंगे और यहाँ पे देखिए आपको इमेज भी दिखेंगी, बहुत सारी इमेजेस हमने अपलोड कर रखी है। और यहाँ पर सर्च बाई है, पर्टिकुलर से सर्च कर सकते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर आइटम का आपने इमेज लगानी है, जैसे चीज नान है इसमें इमेज नहीं लगी है तो ये लगा सकते हैं। अगर ग्रुप वाइज सर्च करना है तो यहाँ पर ग्रुप वाइज भी सर्च कर सकते हैं कि इन किन किन आइटम्स की इमेज नहीं लगी हुई है तो उनको आप यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हैं। उसी तरह से अगर कैटेगरी के थ्रू सर्च करेंगे कि कैटेगरीज में कौन कौन से कैटेगरी के आइटम्स चेक करने हैं तो उसके भी दिख जाएंगे आपको, कैटेगरी वाइज सर्चिंग भी यहाँ पे चालू हो जाएगी। देन उसके बाद जिस भी प्रोडक्ट पर आपने इमेज लगानी है, जैसे हम मान लीजिए पर्टिकुलर में जाके शाही पनीर सर्च करते हैं और इस प्रोडक्ट की इमेज लगानी है अगर हमने, तो हम शाही पनीर पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ समय सेकंड हम वेट करेंगे और वेट करने के बाद इमेज जो है ऑटोमेटिकली गूगल के थ्रू यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपको इमेज दिख गई, तो ये इमेज जो सबसे पहली इमेज से टॉप मोस्ट इमेज वो ऑटोमेटिकली आपसे आपको सजेस्ट कर देगा कि इसे आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई चूज करना चाहते हैं, अगर इसको लगाएंगे तो यहाँ पे जैसे आपको इमेज देखिए, आप अपडेट इमेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इमेज शाही पनीर की आ गई। उसी तरह से अगर आपको ये इमेज नहीं लगानी है तो उसके अलावा भी कुछ और इमेजेस सजेस्ट की जाती हैं जो आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं कि आपको कौन सी इमेज इसमें से लगानी है। तो आप वो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं इसे लगाता हूँ, इस पर क्लिक किया और अपडेट इमेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो इमेज है वो अपडेट हो गई। उसी तरह से अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट है जिसके आप इमेज लगाना चाहते हैं, तो मान लीजिए हम यहाँ पे सर्च करते हैं, कोई दूसरा प्रोडक्ट देखते हैं, जैसे यहाँ पर है अगर जैसे मैं लेता हूँ वेज फ्राइड राइस या सेजवान फ्राइड राइस लेते हैं, यहाँ पर टिक क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड वेट करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे आपको इमेज शो हो गई। बाय डिफॉल्ट एक इमेज गूगल के थ्रू लगाएगी टॉप मोस्ट इमेज, और उसके अलावा अगर आप ये इमेज लगाना चाहते हैं तो इसको लगा दें, नहीं तो अगर कोई और इमेज आपको नीचे से चूज करनी है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। लाइक मैं इसको लगाता हूँ, इस पर क्लिक किया, अपडेट इमेज पर क्लिक किया, अब हम देखेंगे सेजवान फ्राइड राइस सर्च किया तो देखिए ये इमेज यहाँ पे लग गई है। इसके अलावा अगर कोई दूसरी इमेज लगाना चाहते हैं, लाइक अगर हम लगा दें ये सही लग रही, इसको लगाते हैं, अपडेट इमेज यहाँ पे लग गई है। तो इस तरह से पीसीएस एंड पी रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर में ऑटो अपडेट इमेज का ऑप्शन दे रखा है कि प्रोडक्ट की इमेज ऑटो अपलोड हो जाएगी, किसी भी प्रोडक्ट पे आप उसको लगा सकते हैं। आई होप आपको ये फीचर समझ में आ गया होगा। Thanks for watching this video. Have a nice day.